नमस्कार सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 26 जुलाई, जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है कि करके जाने के दर्शन देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस का आपको एक राज्य दर राज्य आंकड़े बताएंगे। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी खबर निकल के आ रही है और भारत को कूटनीतिक जीत बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच PP-14, 15 और 17 से पीछे हटी ड्रैगन की सेना। जी हाँ, प्योंगयांग से भी बैठक के साथ हटी सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी कूटनीतिक जीत, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच कोरोना संकट के बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया को पहुंचाई मेडिकल हेल्प, यानी मोदी। और अब बात करें हम तानाशाह के साथ भी बढ़ रही है दोस्ती, इसके बारे में क्या जानेंगे, क्या कुछ रणनीति है, कूटनीतिक राजनीति है इसके पीछे हम बात जानेंगे। लेकिन इस बीच पीओके को लेकर पाकिस्तान इतना डर गया कि वहाँ की 100 किताबों को बैन कर दिया, जिसमें पाकिस्तान पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया था और कुछ एक कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान, इसके बारे में विस्तार जानेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली हिंसा को लेकर अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। और इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को भव्य बनाने का, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचेंगे। इस बीच शर्जील इमाम के खिलाफ फिर से कसा शिकंजा, जाने के कैसे चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और इस बीच दिल्ली दंगे को लेकर कपिल मिश्रा ने एक बार फिर से ट्वीट किया, बढ़ गया बवाल, जानेंगे क्या कुछ है बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर दर्शक। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 13 लाख के आंकड़े पार कर गए। 13,85,000 कन्फर्म केसेस हो चुके हैं। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में 48,000 मामले सामने आए, मृतकों की संख्या 32,000 के आंकड़े पार कर गई है। अच्छी खबर यह है कि 8,86,000 के करीब लोग स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में टोटल 36,000 के करीब आंकड़े स्वस्थ हो गए हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 4,66,000 के करीब हो गई है। महाराष्ट्र में 9,200 कन्फर्म केसेज आए हैं कल, तो टोटल 3,66,000 हो गए। तमिलनाडु में 7,000 मामले सामने, टोटल 2,000 के आंकड़े पार कर गए। जबकि दिल्ली में 1,100 मामले सामने आए, तो टोटल 1,29,000 के आंकड़े हो गए। कर्नाटक में कल 5,000 मामले, आंध्र प्रदेश में 7,800 आए हैं, यूपी में कल 2,971 आए, टोटल 6,300 के आंकड़े हो गए हैं। ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच PP-14, 15 और 17 स्थानों से पीछे हटी ड्रैगन की सेना, प्योंगयांग पर बैठक संभव। दरअसल पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच कई दिनों से जारी सीमा विवाद पर कुछ और नरमी के संकेत मिल रहे हैं और कूटनीतिक जीत भारत की बताई जा रही है। दरअसल दोनों देशों से चल रही बातचीत के बीच अब पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीनी सेना ने अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। ये दोनों देशों के बीच डिस इंगेजमेंट प्रक्रिया पर सहमति के तहत हुआ है। न्यूज एजेंसी एनआई के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी गई कि आने वाले दिनों में प्योंगयांग से झील के इलाके में भी भारत चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों से बातचीत कर रहा है, जिसके जरिए वहाँ से भी चीन को पीछे हटाने पर सहमति बन सकती है। हालांकि अभी कुछ जगहों पर जो मेजर जगह थे वहां से चीन को पीछे हटाने में कामयाबी भारतीय सेना को मिली। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत ने नॉर्थ कोरिया को पहुंचाई मेडिकल हेल्प। आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच भारत ने उत्तर कोरिया को मदद पहुंचाई। भारत ने उत्तर कोरिया को टीबी की दवा के रूप में $10,00,000 की मेडिकल सहायता भेजने का फैसला किया। भारत ये सहायता विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुरोध के बाद कर रहा है। दरअसल विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत उत्तर कोरिया में मेडिकल सामग्री की कमी और वहाँ के हालात के प्रति संवेदनशील और उनमें टीबी की दवा के रूप में $10,00,000 की मानवीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया है। दरअसल पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने यह भी बताया है कि यह सहायता उत्तर कोरिया में WHO द्वारा चलाए जा रहे 6 रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत होगा। दवाओं की खेप उत्तर कोरिया में भारत के राजदूत अतुल मल्हारी ने WHO के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में देश के अधिकारियों को सौंपी है। तो ये अपने आप में उत्तर कोरिया से पहली ट्रेड डील चल रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पीओके को लेकर पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखलाया, डरा और झुंझलाट है। आपको बता दें कि पीओके की 100 से ज़्यादा किताबों को उसने बैन कर दिया है पाकिस्तान में, जहाँ पे पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा उस बुक में नहीं दिखाया गया था। दरअसल पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की सरकार में स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगाने की वजह ईसा निंदा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर। पीओके को देश का हिस्सा न दिखाया जैसे आपत्तिजनक सामग्री
शामिल थी। पंजाब पाठ्य सामग्री व पाठ्यपुस्तक बोर्ड के प्रबंधन निदेशक राय मंजूर नासिर किर ने कहा है कि कुछ पुस्तकों में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना और राष्ट्रीय कवि मोहम्मद इकबाल के जन्म की सही तारीख भी छपी नहीं थी। वहीं कुछ पुस्तकों में दो राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ सामग्री थी। नासिर ने कहा है कि 30 समितियों ने सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली करीब 10,000 पुस्तकों की समीक्षा की, जिनमें से कुछ पुस्तकों का प्रकाशन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लिंक इंटरनेशनल, पाकिस्तान, पैरागाम बुक्स द्वारा किया गया था। जिससे अब आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बुकों को बैन किया जा रहा है, इससे पाकिस्तान की झुंझलाहट समझ में आती है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चीन ने भी ऐसे हज़ारों नक्शों को जला दिया था, जिसमें पीओके लद्दाख का अक्साई चीन, भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो हिस्सा है वो भारत का हिस्सा दिखाया गया था। यानी अभी भी चीन अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा पर अदालत की सख्त टिप्पणी, हिंसा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तब नहीं याद आई कि हम बुजुर्ग हैं, जेल पहुंचने के बाद याद आने लगा बुढ़ापा। उत्तरी पूर्वी दिल्ली हिंसा में भड़के सांप्रदायिक दंगे के दौरान हिंसा के 12 मामले में आरोपी एक बुजुर्ग को अदालत से राहत नहीं मिल सकी। जेल पहुंचने के बाद आरोपी ने अपनी याचिका उम्र का हवाला देते हुए अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने बुजुर्ग को हड़काते हुए कहा है कि हिंसा का हिस्सा बनते समय तो उम्र याद नहीं रही, जब तो एक नौजवान से ज़्यादा फुर्ती से आगजनी में आए होंगे, अब जेल में बुढ़ापा याद आ रहा है। दरअसल कड़कड़डूमा स्थित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक की अदालत ने इस बुजुर्ग की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में ये शख्स शामिल था और बताया जा रहा है कि अब जमानत याचिका लगा रहा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन को भव्य बनाने की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद ने तैयार किया मेगा प्लान, तो वहीं सीएम योगी अयोध्या पहुंचकर 4-5 को दिवाली मनाने का ऐलान कर दिया। दरअसल अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर के भूमि पूजन के भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए मेगा प्लान तैयार किया है। बीएसपी ने देश ही नहीं दुनिया भर में राम भक्तों से अपील की है कि बीएसपी के महासचिव मिरील पराड़े से अपील जारी की। 5 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से देश और दुनिया के सभी संत महात्माओं से अपील की गई है कि वो अपने आश्रम मंदिर और तमाम भक्त अपने घर या फिर पास के मंदिर आश्रम में भगवान की पूजा और कीर्तन करें और प्रसाद भी बांटें। इसके अलावा अपने अपने इलाकों में अयोध्या में होने वाले भूमि पूजन को बड़े स्क्रीन पर स्थानीय लोगों को भी दिखाने का प्रयास करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी कल अयोध्या पहुंचकर उन्होंने 4 और 5 को पूरे देश भर में दिवाली मनाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि 500 साल बाद ये अवसर आया है। जी हाँ, 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आ रही है 5 अगस्त को, और इसे हमें सामान्य रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए। तो वहीं मध्य प्रदेश के एक मंत्री का कहना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की नींव पड़ते ही कोरोना देश से गेट आउट हो जाएगा। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। सरजील इमाम के खिलाफ राजद्रोह मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। तो दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के छात्र सरजील इमाम पर राजद्रोह के मामले में दिल्ली का पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल ही कर दी। दिल्ली पुलिस ने यह चार्जशीट यूएपीए एक्ट के तहत दाखिल की है। पुलिस ने राजद्रोह के तहत आईपीसी की धारा 153A, 505 और 13 गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम 1967 भी जोड़ा। दरअसल CAA के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन के दौरान सरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने, समुदाय विशेष को भड़काने और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। सरजील इमाम पर आरोप है कि उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों को प्रमुख शहरों के लिए जाने वाले राजमार्गों को रोककर चक्का जाम करने का आह्वान किया था। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली दंगों की रिपोर्ट पर कपिल मिश्र ने जफरुल इस्लाम पर बोला हमला, सोशल मीडिया पर गर्म हो गई बहस। दरअसल दिल्ली में इस साल फरवरी महीने में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए दंगे को लेकर अल्पसंख्यक आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसको लेकर दिल्ली की सियासत गर्म हो गई। रिपोर्ट में एक समुदाय के खिलाफ यानी हिंदुओं को बताया जा रहा था। शनिवार को बीजेपी नेता कपिल मिश्र ने रिपोर्ट मद्देनजर दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम पर हमला बोला। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके सोशल मीडिया पर चर्चा बढ़ा दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जफरुल इस्लाम दिल्ली दंगा रिपोर्टर 9/11 के बिना लादेन मेकिंग रिपोर्ट की तरह है। उन्होंने खुले तौर पर शाहीनबाग के हिंदू विरोधी अभियान का समर्थन किया। इससे साफ है कि वो जाकिर नाइक का समर्थन करता है और ताहिर खाली सफूरा के साथ मंच साझा करके हिंदुओं को कटवाने की खुली बात करती है। केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे रिपोर्ट जफरुल इस्लाम की नहीं बल्कि केजरुल इस्लाम की रिपोर्ट बताया है। यानी केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला बताया है, जफरुल की जगह केजरुल इस्लाम बता दिया है कपिल मिश्रा ने। तो इस तरीके से आपको बता दें कि इसमें सीधा सीधा बताया गया था कि खास करके हिंदू समुदाय को बचाने की कोशिश की गई है, जो कि हिंदू समाज
मुसलमानों को राम नाम ना बोलने और जय श्री राम ना बोलने जैसे नामों के लिए मार रही थी। तो इस तरीके से एक तरफा रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग ने सौंपी है, इसी को लेकर कपिल मिश्र ने भड़ास निकाली। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, राज्यसभा बहुमत के करीब मोदी सरकार, इन दलों की अहम भूमिका। आपको बता दें कि राज्यसभा हर दो साल में होने वाले चुनाव में 61 नए सांसदों के बाद सदन के समीकरण बदल गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के सांसदों की संख्या बढ़कर 102 हो गई है। अब राज्यसभा में NDA को बहुमत के लिए केवल 22 सांसदों की जरूरत है। राज्यसभा में BJP के पास 85 सांसद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास सिर्फ 40 सांसद रह गए हैं और UPA सांसदों की संख्या 65 है। मतलब सदन में गैर NDA और गैर UPA दलों की अहम भूमिका में भी रहेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में कांग्रेस और कमज़ोर हुई है, वहीं BJP और मजबूत हुई है। राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत BJP से आधी भी कम रह गई है, जबकि NDA ने 100 का आंकड़ा पार करके बहुमत की तरफ कदम बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार अभी बहुमत से 22 सीट दूर है, लेकिन जो बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि अब अगर जो NDA के घटक ही हैं, कई जगहों पर अभी तक NDA का समर्थन करते आए हैं ऐसी पार्टियाँ, बात करें BJD, AIDMK, आम आदमी पार्टी और YSR कांग्रेस जैसे दल कांग्रेस विरोधी, इन दलों का समय समय पर मोदी सरकार को समर्थन मिलता रहता है। तो अगर ऐसी बातें होती हैं तो यहाँ पर NDA को, मोदी सरकार को किसी भी कानून को बनाने में समर्थन मिल सकता है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि CM योगी की पुलिसिंग पर नया प्रयोग, पहली बार में 2 जिलों में SSP के जगह होंगे DIG। आपको बता दें कि UP में अपराधी बेलगाम हो गए, हत्या और अपहरण जैसी एक के बाद एक हो रही घटनाओं को लेकर विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हमलावर है। तो यहाँ योगी सरकार ने 15 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया, इसमें कानपुर, अमेठी, जालौन और लखीमपुर खीली के पुलिस कप्तान शामिल हैं। कानपुर में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड मामले में कानपुर SSP दिनेश कुमार P पर गाजगिरी है। कानपुर SSP के पद से हटाकर अब उन्हें झांसी की जिम्मेदारी दी गई है। पी की जगह डॉक्टर प्रीतिविंदर सिंह को कानपुर SSP बनाया गया है। डॉक्टर सिंह की तैनाती फिलहाल अलीगढ़ में थी। इसके अलावा चित्रकूट के पुलिस उप महानिदेशक प्रदीप कुमार को अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई, वहीं सत्यनारायण को चित्रकूट रेंज का पुलिस महानिरीक्षक तैनात किया गया। बस्ती पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार को PAC मुख्यालय लखनऊ में ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ यातायात महानिरीक्षक दीपक रतन को अलीगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरीके से लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ बदलाव कर दिए गए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब SDRF लखनऊ में सेनानायक के पद में तैनात यशवीर को जालौन का SSP बनाया गया है। तो ये अब बड़ी खबर निकल के आ रही है। और अब आपको बता दें कि जिस तरीके से अयोध्या SSP आशीष तिवारी को पुलिस अधीक्षक रेलवे झांसी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ये भी बड़ी खबर आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, UP में अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेंगी शराब, 27 जुलाई से शुरू होगी लाइसेंस की प्रक्रिया। दरअसल अब यूपी के शॉपिंग मॉल्स में भी शराब मिल सकेगी। सरकार ने आबकारी विभागों के लिए आदेश जारी कर दिया है। शॉपिंग मॉल्स में शराब बिक्री के लाइसेंस की प्रक्रिया सोमवार यानी 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। वहीं 25 अगस्त के बाद शॉपिंग मॉल्स में इंपॉर्टेंट ब्रांड्स की शराब की बिक्री संभावित है। आदेश के अनुसार मॉल्स में मिलने वाली शराब के दाम ज़्यादा चुकाने होंगे। इन दुकानों में विदेशी शराब, भारत में बनी स्कॉच, जिन और वाइन सभी ब्रांड्स 700 रुपये अधिक महंगे हो गए। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर यूपी में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े तो बढ़ ही रहे, लेकिन इस बीच मोदी योगी सरकार ने कोरोना टेस्ट, यूपी में कोरोना टेस्टिंग दोगुनी करने का ऐलान कर दिया, रोज 1 लाख टेस्ट करने के निर्देश दे दिए। यूपी में लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य में हर रोज अब 2000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच अब योगी सरकार ने यूपी में कोरोना वायरस की टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दे दिए। यूपी की योगी सरकार ने रोजाना 1 लाख कोरोना टेस्ट करने के निर्देश दिए। योगी सरकार ने 27 जुलाई तक कोरोना वायरस के टेस्ट की तादाद 1 लाख प्रतिदिन करने के निर्देश दिए, जिससे यूपी को ही बड़ा फायदा होने वाला है। चलते अगली बड़ी खबर, दुनिया भर में आपको बता दें कि 1,57,00,000 के आंकड़े पार कर गए। 1,57,84,000 कन्फर्म केसेज हो चुके हैं, तो मृतकों की संख्या 6,40,000 को पार कर गई है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 41,86,000 कन्फर्म केस, तो 1,48,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। ब्राज़ील में 23,48,000 कन्फर्म केस, तो 85,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इंडिया में भी यहाँ पर 13,36,000 से ज़्यादा आंकड़े पार कर गए हैं, तो वहीं 31,000 करीब लोगों की मौत, तो रसिया में भी 8,06,000 करीब संक्रमितों की संख्या, तो वहीं
13,000 ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो दुनिया भर में ये कोरोना के आंकड़े हैं फिलहाल दोस्तों। बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।